हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। अम्मा जी रहने दीजिए, अभी समय थोड़ा सा कम है, हम नैना को ले जाने के लिए आए। भला हम रोकने वाले कौन होते हैं? आपकी पत्नी है, आपका पूरा अधिकार है उस पर, जैसे आपकी मर्जी। उका है दामाद जी, इन नैना के बाबूजी को गए अभी 4-5 दिन ही हुए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, एक नैना ही है जो सबको संभालती है, अब वो भी चली जाएगी तो। उसके बगैर बहुत बेसहारा महसूस करेंगे। अरे बच्चों के तो बाबूजी गए हैं, हमरा तो सुहाग लुट गया, उनके बगैर पूरी जिंदगी कैसे बिताएंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हम समझ सकते हैं माँ जी, तो किसी के जाने से परिवार पर क्या बीतती है। हम महसूस कर सकते हैं। नैना बिटिया को देखते तो मास्टर जी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन अब का बस है हमरा, शादी के बाद तो वो आपकी अमानत हो गई, अब तो पूरा हक आपका है, जैसे आप कहें वैसे ही। जाइए अंदर जाइए, अपने बाबूजी के दुख में डूबी हुई होगी, आपसे बात करके शायद उसके मन को थोड़ी शांति मिल जाए। जाइए। दीदिया लेने आए, आप अभी हमारे साथ चलिए। कहाँ ले जाने आए हैं आप हमें? कहाँ का क्या मतलब? अपने घर ले जाएंगे, और कहाँ? हमको नहीं जाना है। नहीं जाना? लेकिन क्यों? किस हैसियत से ले जाने आए हैं आप हमें? हम आपके पति हैं और आप हमारी पत्नी, और ये सब बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पति पति का धर्म भी जानते हैं? सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से और आपके साथ फेरे ले लेने से कोई पति नहीं हो जाता। ये क्या बकवास कर रही हैं आप अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ। हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। ये रोने का नाटक हमारे सामने मत कीजिए। और आपने ये क्या गाने गाने की जिद लगा रखी? हम आपसे कह देते हैं कि आप गाना नहीं गाएंगी, और वैसे भी हम आपको किसी और के साथ गाना गाते नहीं देख सकते। ये फैसला लेने वाले आप होते कौन? चिल्लाइए मत, हम बताते हैं कि हम होते कौन। ओह, अब समझा कि आप बौखलाए क्यों हैं। वो 3 लाख रुपए आप तक नहीं पहुंचे ना, इसलिए आप चलिए हमारे साथ, हम देते हैं आपको 3 लाख रुपए, लेकिन आप गाना नहीं गाएंगी तो नहीं गाएंगी। नहीं चाहिए हमें आपके 3 लाख रुपए, ये कोई भी आपसे नहीं चाहिए। और आप किस घर की बात कर रहे हैं?
उस घर की जहां आज तक हमें बहू का मान नहीं मिला, जहां हमेशा हमारे साथ नौकरानी जैसा सलूक किया गया, जहां सांस तक लेने के लिए हमें एक जगह तलाश करनी पड़ती है, जहां की दीवारें में काटने को दौड़ती है। हाँ, आप उस घर की बात कर रहे हैं जहां आज तक हम सुकून की सांस तक नहीं ले पाए, जहां दिन रात माफी मांगने में ही कट जाता है। आप ही बताइए, आप हमको उस घर में ले जाना चाहते हैं? हम मानते हैं, हम आपसे प्यार किए, शादी किए, पर एक मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने भाई बहन को प्यार करना छोड़ दें। आखिर उनका प्रति भी हमारा कौन जिम्मेदारी है? आप ही क्या हमारे परिवार के बारे में? चुप रहिए आप। परिवार परिवार परिवार, देख लिए हम आपके परिवार को। और जो बचा हुआ कसर था वो भी आज पूरा हो गया। जान गए कि आप लोगों की नजर में हमें को गंदी नाली का कीड़ा है, बस एक चढ़ा हुआ कीड़ा। लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, हम गरीब जरूर हैं पर हमारे अंदर भी हाथ में सम्मान है, हाथ में स्वाभिमान है। अब हमने जो फैसला किया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, ना ही हम आपके साथ घर जाएंगे और ना ही गाना गाना छोड़ेंगे। हम गाएंगे, अपने परिवार के लिए गाएंगे, अपने भाई बहन के अच्छे जीवन के लिए गाएंगे। और अब हमारा फैसला कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। इतनी भी जिद ठीक नहीं है, तो फिर आप ऐसी जिद क्यों कर रही हैं जो आपको दो राहे पर खड़ा कर दे? ये हमारा जिद नहीं है, ये हमारा इरादा है, इरादा। चलो, मान गए कि ये आपका इरादा है, लेकिन ऐसा इरादा किस काम का कि जो हमें अकेला कर दे? और फिर हम आपको इसलिए तो साथ नहीं किए थे ना कि आप हमें अकेला कर दें। हम दोनों को तो हमेशा साथ रहना है। साथ की बात कर रहे हैं आप? ये चाहते हैं कि आप बाहर आलाप लगाएं और हम घर में घुट-घुट कर मरे, है ना? अरे, अगर हम आपके बराबर में नहीं चल सकते तो कम से कम पीछे तो चल ही सकते हैं ना? आपको तो समझाना पत्थर पर सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। इतनी मेहनत ही काहे कर रहे हैं? ताकि आप रास्ते पर आ जाएं, इसलिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना? और आपके परिवार वालों ने जो हमें गंदी नाली का कीड़ा कहा, उसका क्या मतलब है? आप तो की नजर में एक औरत के लिए नहीं जता का। बस, इतनी देर से औरत और कीड़ा क्या लगा के रखा, हमारी समझ के बाहर हो गया है। देखो नैना, बहुत हो गया, अब आप तय कर लीजिए कि आपको पति और गृहस्थी चाहिए या फिर अपना अहंकार भरा फैसला। दामाजी, हम मानते हैं कि नैना ना समझ, उसे दुनिया जहान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं। इतनी जल्दी उकता जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताइए हम क्या करें? क्या करें हम? एक यह है कि अपनी जिद लेकर बैठी हुई है। नैना में बचपना है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। दोस्त उसका नहीं है, अरे दोस्त तो हालात का है। मानते हैं माजी, लेकिन हालात के साथ समझौता किया जाता है, एक तरफा फैसला नहीं किया जाता।
और इतनी देर से हम उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कहा है कि एक तरफ हम सब लोग हैं जिसके कारण वो परेशान है, दूसरी तरफ आप हैं जिसके बगैर वो एक पल नहीं जी सकती। यहाँ रहकर बिल्कुल खुश नहीं है वो, दिन रात आपके बारे में ही बात करती रहती है। हाँ, क्या करे वो बेचारी, उसका कौनो दोस्त नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। अगर उसकी जगह हम होते ना तो हम भी ऐसा ही करते। हाँ। तो आप भी उसी का पक्ष ले रही हैं, आपको भी लगता है कि वो गलत नहीं है? अगर कोई गलत है तो हम हैं। अरे ना 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 दामाद जी, अगर हम ऐसे सोचे तो हमारी जीभ गल जाए। हम गिरिया खाकर कहते हैं उसके जीवन में तो आप हीरा बनकर आए हैं, हीरा। लेकिन हीरे की कदर सबको थोड़े होती है। हम बात करके देखते हैं। नहीं माँ, अब आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि उसको ये समझ में नहीं आ जाता कि अहंकार आदमी को बर्बाद कर देता है, तब तक आप कुछ मत कहिए। और वैसे भी अब हमें भी उससे ना तो कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। आप बहुत बड़े लोग हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, अगर उसे माफ कर देंगे तो आप और बड़े हो जाएंगे। हम कोशिश करके देखते हैं दामाद जी, जरा। नहीं माँ जी, अगर आपके समझाने से वो मान गई ना तो ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात हो जाएगी। ये हमारे लाख समझाने पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, और फिर तो हमें अपने रिश्ते पर भी शर्म आने लगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें बात तो करने दीजिए, कोशिश तो करने दीजिए। प्लीज माँ जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप कोई बात मत कीजिए उसे। सुनिए, अरे दादा, लूर को पहचाने दे बेटा, यही तो हम लोगों का सहारा है। लोर के पहचाने से दिल हल्का हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि जिंदगी की स्कूटरगों से कैसे बाहर निकलेंगे। एक तरफ तुम हम लोगों की खुशी को लेकर परेशान हो, दूसरी तरफ तुझे पुनीत बाबू की खुशी की चिंता हो रही है, जिसके वो हकदार। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हमारे साथ काहे हो रहा है। माँ, खुशी आने वाला होता है कि उसके पहले ही दुख आ जाता है। हम सोचते हैं कुछ है और वो कुछ हो जाता है। यही तो भाग्य है बेटा, ऐसे वक्त में धैर्य की बहुत जरूरत होती है। माँ, हम गलत तो नहीं है ना? माँ, तुम गलत हो नैना, गलती तुमसे हुई है। आप भी ऐसे ही समझती है माँ? हम परिवार की खुशी के लिए पुनीत बाबू से नहीं, अपने आप से लड़ रहे हैं। लेकिन घायल तो हमारे दामाद जी हो रहे हैं ना, तुम अर्धांगिनी हो उनकी, पति है वो तुम्हारे। तुम्हें तकलीफ होती होगी तो उन्हें भी होती होगी। एक बात हम कह देते, जैसे तुमने दामाद जी से बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी तुम्हारे अंदर जो छटपटाहट हो रही है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं बिटिया।
माँ, पहले बाबूजी थे, हमको सही और गलत का पहचान कराते थे। आज ऐसा लगता है कि हम बीच रास्ते में खड़ा हो गए। ये सब हमरे कारण हो रहा है। कैसी माँ है हम, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अरे तुम्हारे बाबूजी की जगह भगवान ने हमको काय नहीं उठा लिया, काय नहीं उठा लिया। नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हर कोई अपनी जिंदगी लेकर आता है, बाबूजी भी अपनी जिंदगी लेकर आए थे। यही से तो भगवान जी उनको अपने पास बुला लिया, यही तो कह रहे हैं हम कि भगवान को हमसे कौन सी दुश्मनी थी। अरे अपनी बिटिया को इस हाल में देखने से पहले मर काहे नहीं गए हम, मर काहे नहीं गए हम। नहीं माँ, आप ऐसी बात मत कीजिए। बाबूजी कहते थे कि हर औरत दोहरी जिम्मेदारी उठाती है, एक तरफ ससुराल की जिम्मेदारी तो दूसरा तरफ मायके का चिंता। और आप ये काहे भूल रही हैं कि हम उनकी पत्नी बाद में पहले घर की बेटी है और ये घर के प्रति भी हमारा कुछ फर्ज है, हमारा कुछ कर्तव्य है। और आप ये बताइए, हम बेटी का फर्ज कैसे भूल जाए? इस घर में हमारी माँ है, भाई बहन है। अरे हम तो किसी तरह जी लेंगे, भीख मांग कर भी जी लेंगे, लेकिन अपने कारण तुमको संकट में काहे डाले नैना। तुमको अपना फैसला बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा फैसला। अब हमको अपने फैसले पर अफसोस नहीं करना चाहिए। हमारा फैसला परिवार के हित में है। अब हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी। छोड़ेंगे, हम गाएंगे, अपने परिवार के लिए गाएंगे, अपने भाई बहन के अच्छे जीवन के लिए गाएंगे। और अब हमारा फैसला कोई भी नहीं बदल सकता। बेटा पुनीत, तुम यहां इतनी रात को? वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो। हाँ ये तो होना ही था बेटा, होना था। ये तो कहा है ना बेटा, ये जो उड़ती चिड़िया है ना, इसको पिंजरे में बंद करके उसके पंख को फड़फड़ाने दो, उड़ती में पलाई है ऊपर, जहां आकाश के ऊपर देखी वो उड़ जाएगी। कहा है ना बेटा, जिसको पंख फैलाना आता है ना, वो उड़ना जान ही जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? हम कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं बेटा, आपको समझाना चाह रहे हैं। चाचा जी,
हमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है बेटा, हमको सब मालूम पड़ गया है कि नैना यहां आने से मना कर दी है, और आपके लाख समझाने के बावजूद भी वो गाना गाना चाहती है। लेकिन दुख इस बात का है, आपने हमको समझा नहीं। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, और रही बात नैना की, तो नैना अभी छोटी है और हम उसकी बेवकूफी की वजह से नाराज हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि नैना समझदार नहीं है। समझदार है? समझदार? वो समझदार नहीं बेटा, वो बहुत ही धूर्त है, बहुत ही धूर्त। आपने उससे प्यार किया, उसके दुख सुख को समझा, और उसने इतनी चालाकी से इस घर में फूट डालने का कोशिश किया। उस लड़की के लिए आपने अपने घर वालों का परवाह ही नहीं किया, हमेशा आपने मन का करते रहे। सामने आपके घर वाले आपको दुश्मन नजर आने लग गए। लेकिन इसलिए तो कहते हैं बेटा कि हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, कायक उनको अनुभव होता है, अनुभवी होते हैं वो। लेकिन अब दोबारा गलती को दोहराने की कोशिश मत करिएगा, रस्सी को ऐसे पकड़ो कि गांठ भी न पड़े और काम भी हो जाए। बेटा, आदमी को हमेशा अपने अतीत से सबक लेना चाहिए, इससे भविष्य जो है ना वो सुधरता है। गुड नाइट। भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, अब देखो ना सारे के सारे काम खुद ब खुद हुए जा रहे हैं। अपने आप कैसे दे दिया, चिंगारी तो तुम ही लगाई हो। हाँ, आग अपने आप भड़क गया है। हमसे तो ना खुशी संभाले नहीं संभलती, अगर हम हंसेंगे नहीं ना तो हमको दमा हो जाएगा, फिर पूरी जिंदगी अरे देखना दीदिया, इस खुशी में किसी की नजर न लग जाए। और किसी का तो पता नहीं, हमको और नजर की चिंता है दीदिया। मैं अरे भैया, हम तो मजाक कर रहे हैं। अभी तो तुमने फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखा है, अगर पूरी फिल्म देखते ना तो ऐसा नहीं कहते कि किसी की नजर लग जाएगी। तुम खाली इधर उधर की बात करती हो, पता नहीं रही हो क्या बात है। देखो देखो, सुनने के लिए कितना अधीर हुआ जा रहा है मुआ। बताते कल पुनीत बाबू आए थे ना, बहुत गुस्से में थे और ये बेरन चंडी बनी हुई थी। पुनीत बाबू बोले कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम गाओ नैना, और नैना चंडी बोली। कौन से फिल्म थी राज कपूर की जिसमें बैजंती माला बोलती थी ओ गा हो गा हो गा? क्या बोली भाई? हम बताते हैं ना, करके बताते हैं। ऐसे खड़ी हो गई स्टाइल से, ऐसे बोली हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे। अरे बोल कर दे, अरे सुन सुन कर ही खुश हो रहे थे कि अपना तो काम बन गया। मामा जी, हमें पता नहीं था। अरे हम पापी हैं, पापी।
सबर करो दीदिया, सबर करो। तुम ऐसे करोगी तो नैना के ऊपर क्या बीतेगा? लेकिन एक बात जान लो दीदिया, हमारी भगनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कह देते हैं हाँ। परिवार का भला करने चली है, उसका भगवान भी ख्याल रखेगा। तुम तो भाई बिटिया, आपसे को काम है। क्या काम है भगनी, बताओ पूछो। हमको मुकुल सिंगर का नंबर चाहिए। हाँ, हम आज ही पता करते हैं। वैसे भी वो आजकल बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, उसका तो क्या कहते हैं सीडी या कैसेट बाजार में भी आ गया है। आप एक बात और है, वो तो आजकल बड़का बड़का शो करने असम, पंजाब, हरियाणा, अब मुंबई और मुंबई भी जाने लगा है। हाँ हमको पता है मामा जी, यही से कह रहे हैं कि उनका नंबर जितना जल्दी हो सके पता लगा कि हमको बता दीजिए, और भी हमको जानते हैं। ठीक है। अब आते थे यार, इतना खुश काहे दिखाई दे रहे हो? कोनो युद्ध जीत कर आ रहे हो का, बताओ? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए दूल्हा जी, रात भर तो हम सो ही नहीं पाए। क्या बात कर रहे हैं, चेहरे से तो ऐसा फ्रेश लग रहा है जैसे लग रहा है कि सूरजमुखी का फूल होगा हुआ। क्या बात है भाई साहब, अब इतना दिमाग पे जोर काहे डाल रहे हैं? अब कहा है कि तुम बात तो बता नहीं रहे, तो दिमाग पर जोर ना पड़ेगा तेरा। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो बता रहे हैं। खबर ऐसी लेके आए हैं कि आप लोग सुनकर खुश हो जाइएगा। काहे, नैना भी अपने बाप के साथ स्वर्ग सिधार गई का? ना, ये बात नहीं है। बात ही है कि नैना ने गाना गाने का फैसला कर लिया है। अब लड़की इस घर का मान मर्यादा छोड़कर सबके सामने गाने के लिए जा रही है और तुम उसको खुशी का बात बता रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? यही तो खुशी की बात है भाई साहब, पता है आप लोग सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। कल रात को हम पुनीत को नैना पर भड़कते हुए देखे, पूरी तरह से गुस्से में था। सुन रहे हैं, इस बार पुनीत उस लड़की के साथ गाएगा ही नहीं, और साथ क्या, इस बार वो पूरी तरह से नैना के विरोध में है। एक बात बताइए भाई साहब, आपने जासूसी करना कब से चालू कर दिया? हाँ तो इसको आप जासूसी कहिएगा? जब घर में युद्ध मचा हो तो नजर तो रखनी पड़ती है ना। और एक बात सुनिए, कल पुनीत गया था नैना को गाना गाने से मना करने के लिए, और उसने उसका बात ही नहीं सुना, बात ही नहीं मानी, और तो और उसने इस घर में आने से मना कर दिया। चलो अच्छा हुआ पुनीत को समय पे अकल तो आ गई, और उस चुड़ैल से पीछा छुटने की नौबत भी आ गई। लगता है अब हमारी चाल पर दया भाई साहब की चाल हावी हो जाएगी, ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। अब आप क्या सोचने लगे दूल्हा जी? हाँ नहीं, हम सोच रहे थे कि पुनीत बाबू के इस तरह करने से नैना के प्रति क्या उनके प्यार में कोई कमी आ जाएगी क्या? हाँ
देखिए हमको नहीं लगता है, काहे कि देखिए पुनीत जो है वो ठहरे एक सिंगर, और भाई साहब सिंगर लोग बड़े ही इमोशनल लोग होते हैं, है? नैना ने जहां उनके सामने आकर दो चार बार रोना धोना कर दिया कि पुनीत बाबू का गुस्सा जो है ना वो कपूर की तरह रफू चक्कर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक कह रहे हैं दुल्हा जी, हमको भी यही लगता है, हम लोगों को उस लड़की को रोकना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। यही सही वक्त है भाई साहब, उधर वो लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ गाना गाएगी और इधर हम पुनीत को उसके नाम काम के खिलाफ भकाएंगे। हमारा खून है और अपना खून कभी दगा नहीं करता, और हमको ये भी पता है कि कब कौन सा नस दबाना है जिससे उसका सीधा असर दिमाग पर पड़े। आप लोग जो है ना चिंता मत करिए, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आज हम लोग को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। कहाँ? स्कूल से निकाल दिया गया? पर काहे? काहे कि पिछले 2 महीने से हम लोग का स्कूल का फीस नहीं भरा गया। आज टीचर पूरे क्लास के सामने हम लोग की बेइज्जती की है।